हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेट्स कुक विथ मधु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे किचन में बना रहे हैं मसालेदार मशरूम मटर करी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मशरूम करी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल लिए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने दालचीनी और 2 इलायची इसमें डाली है, जीरा, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसे मैंने ग्रेट करके डाला है, प्याज, प्याज को हम हल्का भूरा होने तक पकाएंगे। इसमें हम थोड़ा नमक भी डालेंगे। हमारे प्याज यहाँ हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता मैंने यहाँ 10 से 12 करी पत्ता लिए हैं। अगर हम करी पत्ता को पहले डालते तेल में तो इनका कलर ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाता। अभी ये हमारे करी पत्ता ग्रीन ही रहेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम थोड़ा पकने देंगे। अब हमारे टमाटर भी यहाँ पक चुके हैं, अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर हमने यहाँ पर आधा कटोरी लिया है। अब हम इसमें हमें जो करी में मसाला चाहिए वो डालेंगे। हम यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये सभी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला यहाँ पक चुका है। मसाले ने देखिए साइड में अपना तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। मशरूम हमने यहाँ पर 250 ग्राम लिए थे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि हमारे मशरूम अच्छे से पक जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। हमारी मसालेदार मशरूम मटर करी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, इसे मैंने क्रश कर डाला है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी मसालेदार मशरूम मटर करी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती और नान के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।